फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ड्रेस से मैचिंग मुकुट बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। इसको आप छोटे बड़े जिस मर्जी साइज में बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने 55 चैन लेकर 3 चैन एक्स्ट्रा की थी और उसके ऊपर फिर 55 बार डबल क्रोशिया करके रेडी कर लिया है। अब मैं इस येलो कलर के धागे को यहाँ से कट करूँगी। इस तरह से नोट लगा के यहाँ से मैं येलो कलर कट कर दूँगी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर वाइट कलर अटैच करूँगी। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया है हमारा थर्ड चैन, उसकी पिछले वाले धागे को उठाना है और यहाँ पर मैंने वाइट कलर में नोट लगा दी है। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, इस धागे को हम इस तरह से साथ लेकर चलेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए इस सारी चैन को इस तरह से नहीं उठाना, ये पिछले वाला जो देखिए ये बैक वाला धागा है इसको उठाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से ये बैक वाला धागा उठाएंगे, हमें पूरी चैन को नहीं उठाना है, इस तरह से आगे की तरफ नहीं उठाना, बैक वाले धागे को उठाएंगे और यहाँ से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक होल में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करके मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करती हूँ। पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। स्टार्ट हमें इधर से ही करना है। हम फिर से यहाँ पर मैं येलो कलर से एक रो और बनाऊंगी। देखिए जहाँ से मैंने ये वाइट कलर अटैच किया था वहीं से मैं येलो कलर अटैच करूँगी। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चैन करने के बाद यहाँ भी हमें बैक साइड वाली चैन है उसी में अपना वर्क करना है, आगे वाली पूरी चैन को नहीं उठाना। ये हमें पूरी रो डबल क्रोशिए की बनानी है, पिछली हमने वाइट वाली सिंगल क्रोशिए की रो बनाई थी। अब देखिए यहाँ से बैक वाली धागे को उठाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बैक वाला लूप उठाना है और उसमें डबल क्रोशिया करना है। इस रो को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है और इस धागे को भी अब मैं यहाँ से कट करूँगी। अब देखिए, अब मैं वाइट कलर का धागा लूँगी और उसको इस तरह से एक मैजिकल रिंग बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर 1, 2, 3 चैन करने के बाद इसी होल में
जो मैंने ये रिंग बनाई है उसमें मैं 12 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। इस धागे को मैं यहाँ से इस तरह से टाइट कर सकती हूँ, दो एक हमारा तीन की चैन का हो जाएगा, टोटल 13 बार डबल क्रोशिया करना है। पर मैंने ये 13 चैन कंप्लीट कर ली है और अब इस धागे को मैं इस तरह से टाइट कर दूंगी और इस धागे को मैं इतना रख के बैक की तरफ अच्छे से एडजस्ट करूंगी। इस तरह से बाद में मैं यहाँ पर नोट लगा दूंगी। अब देखिए, अब मैं अपना येलो कलर से वर्क करूंगी। यहाँ से मैंने येलो कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब हमें इस तरह से बैक की तरफ क्रोशिया हुक को लेके जाना है और इस तरह से दो का एक करना है। यहाँ पर हमें कोई भी लूप नहीं लेना। फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से अब नेक्स्ट में जाएंगे। हमें उल्टा क्रोशिया लेके जाना है, फिर यहाँ पर दो का एक करेंगे। इस तरह से देखिए, क्रोशिए को लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। देखिए हमारा इस तरह से वर्क होता जाएगा। अब नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह से मैं इसको पूरा बना कर रेडी कर लेती हूँ। हमने ये पूरी पत्ती बना कर रेडी कर ली है। अब देखिए, पहले मैं आपको ये सारा बनाना बताती हूँ, बाद में इसकी सिलाई करना बताऊँगी। अब फिर से मैं उसी तरह से मैजिकल रिंग लूँगी। वाइट कलर के धागे से ही मैं मैजिकल रिंग में फिर से मैं यहाँ पर 13 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से देखिए, पहले इसमें हम नोट लगा लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक हमारी ये चैन हो गई, दो तीन, तीन चैन करने के बाद इसमें मैं इसी रिंग में मैं 12 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और ये 13। देखिए 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से मैं इस धागे को टाइट कर दूंगी। इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन करने के बाद मैं इस तरह से अपने वर्क को पलटूंगी और यहाँ पर इसमें मैं नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट में मैं दो बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो। सबसे पहले वाले में हमें सिर्फ ये तीन की चैन वाला डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट के हमें सभी डबल क्रोशिया में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक होल में दो दो बार, इसमें भी दो बार। देखिए यहाँ पर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाकर इस पूरे राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ।
मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और जब मैं यहाँ पर बीच में आई थी तो एक होल में मैंने देखिए यहाँ पर एक होल में 3 बार डबल क्रोशिया किया था और बाकी सब में 2-2 बार डबल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से अपना येलो कलर अटैच करूँगी। और यहाँ से मैं इस तरह टर्न करूँगी और इसमें मैं एक बार स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से अब नेक्स्ट में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः चैन करनी है। 3 तो हमारी डबल क्रोशिए की हाइट की हो गई और तीसरी यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से अब यहाँ से फिर से लूप लेना है और नेक्स्ट में जाकर एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से अब फिर से यहाँ पर मैं 1, 2, 3 चैन करने के बाद यहाँ पर जो ये अगले वाले 2 लूप दिख रहे हैं उनको इस तरह से उठाऊंगी। देखिए अगले वाले जो धागे हैं उनको उठाकर इस तरह से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर नेक्स्ट में जाकर नेक्स्ट होल में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1, 2, 3 चैन करने के बाद इन 2 लूप में से इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट होल में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 चैन करने के बाद ये हमारे इस तरह से पर्ल बनते चले जाएंगे। और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जिस तरह मैंने शुरू में किया था एक बार सिंगल क्रोशिया और लास्ट वाले में स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट करके यहाँ से मैं धागे को कट कर दूंगी। और इन सभी धागों को मैं क्रोशिए की हेल्प से पीछे की तरफ बैक साइड में इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी। अब देखिए, अब मैंने जो ये मेरे पास ऊपर की साइड है यहाँ पर मैं पर्ल अटैच करूंगी। इस तरह से पर्ल लेना है देखिए। इसी तरह से मैं सारे पर्ल लगा कर अटैच कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर भी पूरे में मोती लगा लिए हैं और इसमें भी। अब देखिए, अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। देखिए, हमको इस तरह से इसको सीधा रखना है और फिर इसको इस तरह से बराबर लेंगे और इस तरह से इस तरह वी शेप में करेंगे और इस तरह से बैक की साइड ऐसे रखेंगे। एक उंगली हमें नीचे की तरफ रखनी है और एक ऊपर की तरफ और इस तरह से नीडल में हम धागा डालेंगे। ये ऊपर वाली चैन को ही हम उठाएंगे
इस तरह से हम पूरी को अच्छे से सिल देंगे। इस तरह से मैं पूरी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी पूरी सिलाई कर दी है और अब इस तरह से मैं इसको सीधी तरफ से सीधा करूँगी। देखिए हमारी ये पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए जो हमने ये बनाए थे, एक को मैं इस तरह से अटैच करूँगी सुई की हेल्प से, और इसको मैं, आपकी इच्छा है इसको इस तरह से बीच में सीधा भी रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बैक की तरफ यहाँ से सिलाई करूँगी और यहाँ पर अटैच करूँगी। मैं इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इनको अच्छे से सिलाई कर दी है इनकी, और यहाँ पर साइड में मैंने दो पर्ल की यहाँ पर लड़ियाँ लगाई हैं। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।